नमस्कार, टेक्नी बोर्ड के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज के एपिसोड में हम सामान्य ज्ञान से संबंधित 10 बहुत ही अद्भुत, रोचक और महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछेंगे। इन सवालों के साथ हम आपको 3 ऑप्शंस या विकल्प भी देंगे, जिनमें से किसी एक सही उत्तर को आपको चुनना है और कमेंट करके हमें भी बताना है। सवाल जवाब की इस कड़ी में आपके पास सोचने के लिए 3 सेकंड का समय भी होगा। एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि हम हर सवाल और जवाब को एक्सप्लेन भी आपको करेंगे। हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि यह जीके क्विज या सवाल जवाब आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे और साथ ही साथ मनोरंजक भी होंगे। तो अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए हम आज का एपिसोड शुरू करते हैं और आते हैं आज के पहले सवाल पर। भारत का पहला नगर निगम कहां बना था? ऑप्शंस हैं चेन्नई, मुंबई, दिल्ली। समय शुरू होता है आपका। इसका सही उत्तर है चेन्नई। जी हां, चेन्नई नगर निगम, जिसे पहले मद्रास निगम के रूप में भी जाना जाता था, नगर निगम है जो भारत के चेन्नई शहर को नियंत्रित करता है। किंग जेम्स टू द्वारा 29 सितंबर 1688 को इसका निर्माण कराया गया था। इसका नेतृत्व एक महापौर करता है जो 200 से अधिक पार्षदों की अध्यक्षता करता है। लंदन शहर के बाद दुनिया का दूसरा सबसे पुराना नगर निगम चेन्नई नगर निगम है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का दूसरा सवाल। झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? झरनों का प्रदेश, वनों का प्रदेश, पर्वतों का प्रदेश। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है वनों का प्रदेश, फॉरेस्ट लैंड। झारखंड में वन 23,605 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए हैं, जो कि झारखंड के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% है। इसके अलावा 23,605 वर्ग किलोमीटर जंगलों में 82% क्षेत्र जो कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं, जबकि 17.5% जो हैं वो रिजर्व फॉरेस्ट हैं। झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण जो फॉरेस्ट हैं या वन है या राष्ट्रीय उद्यान है वो है बेतला नेशनल पार्क, हजारीबाग वन्य जीवन अभ्यारण्य, दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उड़वा पक्षी अभ्यारण्य, सारंडा साल वन, महुआदार वन्य जीवन अभ्यारण्य, कोडरमा अभ्यारण्य। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का अगला सवाल। किस देश की 3 राजधानियां हैं? ऑप्शंस हैं बेलारूस, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका गणराज्य की 3 राजधानियां हैं प्रिटोरिया, कैपटाउन और ब्लोमफॉन्टेन। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां रणनीतिक आधार पर बनाई गई हैं। हर एक राजधानी के अंतर्गत अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। जब किसी एक राजधानी के बारे में अगर पूछा जाता है तो ज्यादातर लोग प्रिटोरिया की ओर इशारा करते हैं। प्रिटोरिया एक एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी है, कैपटाउन एक लेजिस्लेटिव राजधानी है, ब्लोमफॉन्टेन जुडिशियल राजधानी है। आज का हमारा अगला सवाल है, सबसे ज्यादा हथियार किस देश के पास हैं? ऑप्शंस हैं अमेरिका, इजराइल, चाइना। समय शुरू होता है आपका अब। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो जरूर कमेंट करके हमें बताएं। इसका सही उत्तर है इजराइल। जी हां, इजराइल वेपन इंडस्ट्री ने पिछले 70 सालों में युद्ध के लिए प्रयोग होने वाले छोटे हथियारों के विकास, उत्पादन और विपणन के क्षेत्र में खुद को एक ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित किया है। टॉप नोच गैलिल स्नाइपर राइफल, उजी सबमशीन गन और टेवर असॉल्ट राइफल्स जैसे ये काफी बड़े उत्पाद बनाता है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर और देखते हैं आज का अगला सवाल क्या है। जीनियस डे कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 14 मार्च, 14 अप्रैल, 14 मई। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है 14 मार्च। जी हां, जीनियस डे सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में से एक अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम पर मनाया जाता है। हम सभी उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। उनका जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उलम में हुआ था। इन्होंने सापेक्षता के विशेष और सामान्य सिद्धांतों को विकसित किया और फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव की व्याख्या भी की थी। 1921 में इन्हें फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हमारा आज का अगला सवाल है, कौन सा प्राणी कान से देखता है? ऑप्शंस हैं चींटी, घोंगा, चमगादड़। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है घोंगा।
घोंगे के सर पर स्पर्शक होते हैं जो कि उसके जुड़े हुए होते हैं सिर के साथ में, जिनके प्रयोग से वो आसपास की सही जानकारी को प्राप्त करते हैं। दो सबसे लंबे स्पर्शक के ऊपरी सिरे पर जो है वो आंखें होती हैं, जिनकी वजह से वो अपनी आंखों को चारों तरफ घुमाकर एक ब्रॉडर एंगल प्राप्त करते हैं। तो बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर, देखते हैं क्या है आज का सातवां सवाल। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जी हाँ, अगर आपको इसके जवाब की जानकारी है तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऑप्शंस हैं लियाकत अली, जियाउल हक, मोहम्मद अली जिन्ना। समय आपका शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है लियाकत अली। लियाकत अली खान, जिन्हें कैद मिलत और शहीद मिलत के रूप में जाना जाता है, 1947 से 1951 तक पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री रहे। आज का हमारा अगला सवाल है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शंस हैं 108, 118, 18। समय आपका शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है 18। पुराण हिंदुओं के धर्म संबंधी आख्यान ग्रंथ है, जिनमें सृष्टि, लय, प्राचीन ऋषियों, मुनियों और राजा के वृत्तांत आदि हैं। पुराणों की संख्या मुख्यतः 18 बताई गई है, जो इस तरह से हैं: विष्णु पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मा वैवर्त पुराण। इस तरह से कुल 18 पुराण है। आज का हमारा अगला सवाल है, किस बीन को गोल्डन बीन भी कहा जाता है? बीन अर्थात यहाँ हम फली की बात कर रहे हैं। ऑप्शंस हैं राजमा, सोया, मटर। समय आपका शुरू होता है अब। सही उत्तर है सोया। सोयाबीन एक अत्यधिक पोषक फसल मानी जाती है। इसके कई उपयोगों के कारण सोयाबीन को गोल्डन बीन के रूप में भी जाना जाता है। प्रोटीन का एक बहुत ही उत्कृष्ट स्रोत है और तेल का भी। इसमें लगभग 43% अच्छी गुणवत्ता वाले प्रोटीन, 21% कार्बोहाइड्रेट, 5% खनिज और 8% मॉइस्चर होता है। 20% फैट और 4% फाइबर भी इसमें उपलब्ध होते हैं और काफी उचित मात्रा में विटामिन भी इसमें पाए जाते हैं। तो आज के हम अंतिम सवाल की ओर आते हैं, देखते हैं क्या है सवाल हमारा। अमेरिका किस देश का गुलाम था? ऑप्शंस हैं स्पेन, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है ग्रेट ब्रिटेन। जी हां, 1607 से 1783 तक अमेरिका ब्रिटिश साम्राज्य के औपनिवेशिक क्षेत्र में शामिल थे। इन कॉलोनियों को औपचारिक रूप से ब्रिटिश अमेरिका और ब्रिटिश वेस्ट इंडीज के रूप में जाना जाता था। एक लंबी क्रांतिकारी लड़ाई के बाद, जो कि सन 1775 से सन 1783 तक चली, उसके बाद अमेरिका ने अपने स्वतंत्रता की घोषणा की और संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन हुआ था। तो दोस्तों, ये थे आज के इस एपिसोड के कुछ 10 महत्वपूर्ण सवाल एवं उनके जवाब। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण सवालों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।